हाँ तो बच्चों देखो लाइफ में दोस्तों की बर्थडे पार्टी, न्यू ईयर, दिवाली और होली आते रहेंगे, पर टेंथ बोर्ड लाइफ में केवल एक ही बार आती है। सो फोकस करो और बताओ 4 2x - 2 + 5 = 21, इसमें x की वैल्यू क्या होगी? अरे तुम्हारे x की वैल्यू क्या है? सर मेरे x ने मेरी वैल्यू नहीं की तो मैं उसकी वैल्यू क्यों करूं? मेरे लिए मेरी x की वैल्यू 0 है, 0। अभी वो तेरे एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अल्फाबेट एक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तेरे एक्स के बारे में नहीं। सर मेरे एक्स की वैल्यू 3 आई है। सर मैंने भी निकाल लिया, मेरी 4 आई है। इसकी 3 आ रही है, इसकी 4 आ रही है, मेरी 72 कैसे आ रही है? एक काम कर देती हो, टॉपर की वैल्यू दे देती हो। सर मेरा भी ना 3 आया है। बहुत बढ़िया, लाओ कॉपी दिखाओ। कॉपी। गुड मॉर्निंग मैम। बच गए। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। थैंक यू मैम। पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि टेंथ के बाद तुम कौन सी स्ट्रीम लोगे? किसी से कुछ पूछा? किससे नहीं पूछा बाबा, जरा मेरा हाथ देख के बता दो कि मेरे को कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए। वो क्या है, जो शनि जो है तुम्हारे नवे ग्रह की कुंडली में बैठा है, तो तुम्हारे को तो संस्कृत लेना चाहिए, बहुत स्कोप है उसमें। अरे बाबा संस्कृत को तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, मैथ साइंस पीसीएम कॉमर्स आर्ट्स से बताओ ना। आपने इतनी हेल्प कर दी बाबा, धन्यवाद। कुछ भी कर लेना लेकिन मैथ्स मत लेना। क्यों भैया? नीचे बोर्ड पढ़ो। बीटेक गोलगप्पे वाले। हाँ मैथ्स ली थी हमने, हम तो IIT पास आउट है। अरे इतना बड़ा सवाल नहीं है, जो सब्जेक्ट तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्ग है ना वही लेना। इंसान जो बिना दारू के जी नहीं सकता था, तुम अपने आप को हारा हुआ और छोटा महसूस करते थे, पर अब तुम बूढ़े हो गए हो, इसलिए तुमने मुझे बनाया। जवान, अमीर, सक्सेसफुल और फेमस, एक ऐसा इंसान। कैसी चल रही है प्रिपरेशन? पता है ना 10th क्लास में अच्छे मार्क्स के लिए पढ़ना पड़ेगा। हाँ दीदी पता है, मैं थोड़ा रिफ्रेश हुई हूँ, Amazon मिनी टीवी में के ड्रामा देख रही हूँ। क्या? आई नो अब आप कहोगे एग्जाम है वगैरह वगैरह, पर दीदी 2-3 घंटे कंटिन्यूसली पढ़ने के बाद अपने आप को थोड़ा एंटरटेन कर रही हूँ। पढ़ पढ़ के ना माइंड एकदम ब्लॉक हो गया है। बड़ी मजेदार सीरीज है, इसमें ये लड़का ओलंपिक विनर है जिस पर अपनी फैमिली के मर्डर का ब्लेम आता है। इसमें मिस्ट्री, सस्पेंस, ड्रामा और रोमांस सब कुछ है। हाँ अच्छी स्टडी के लिए ऐसे छोटे छोटे एंटरटेनमेंट ब्रेक्स बेस्ट होते हैं। क्या देख रहे हैं, ये सब मिलता कहाँ है तुझे? मैंने ना प्ले स्टोर से Amazon मिनी टीवी ऐप डाउनलोड किया है जिस पर बहुत सारे सीरीज और शोज देख सकते हैं, जैसे कि के ड्रामा, सी ड्रामा एंड इटालियन ड्रामा जो कि हिंदी में भी डब्ड है, और एवरी वीक न्यू शो देखने मिलेगा। और सब्सक्रिप्शन का क्या? फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। अरे हाँ दी, Amazon मिनी टीवी इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। देखो मैंने तो देख के रिलैक्स कर लिया है, पर आपके एग्जाम थोड़ी ना है, आप तो देख ही सकते हो। मैं भी अपने फोन में डाउनलोड कर लेती हूँ। चलो मेरा ब्रेक ओवर, मैं चलिए। वैसे तू और तेरे दोस्त स्ट्रीम कौन सी लेने वाले हैं, कुछ सोचा है? पता नहीं, कल पूछूंगी। संडे के टाइम में रखो, आज जम गए पढ़ते पढ़ते। क्या लेगी? ठंड में तो जो भी गर्म मिल जाए सब ले लूंगी, कॉफी, दूध, चाय, पानी। अरे स्ट्रीम क्या लेगी? अच्छा तू क्या ले रही है? मैं तो PCM लूंगी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों। मैं भी वो ले लूंगी, तू भी वो ले लियो, हम तीनों साथ साथ रह लेंगे। जैसे तेरी मैथ्स की हालत है ना, टेंथ में 10th बार जन्म लेना पड़ेगा पास होने के लिए। यार वैसे लेना तो मुझे आर्ट्स था, पर मेरे मम्मी पापा डॉक्टर है ना, तो वो भी चाहते हैं कि मैं डॉक्टर ही बनूं, तो मैं तो मैथ्स प्लस बायो लूंगी। ठीक है तो मैं भी बायो प्लस मैथ्स ले लूंगी, साथ में ही होंगे हम लोग। तो फिर तू कॉमर्स ले ले। कॉमर्स में होती है अकाउंट्स, और अकाउंट्स में होती है मैथ्स जबरदस्त, जिसको कर करके तेरे लग जाएंगे 10, तो तू तो रहने ही दे। यार तुम तो अपने अपने में सेट हो गए, मैं क्या लूं? अरे अपनी टाइम शीट लग गई है, आ जाओ। अरे प्लीज इंग्लिश पहला एग्जाम हो, प्लीज इंग्लिश पहला एग्जाम हो, प्लीज इंग्लिश पहला एग्जाम। टाइम शीट से तुम लोगों को फर्क पड़ेगा? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो पास हो जाऊंगी। पहला किसका है? मैथ्स। पहले
चीज से सबसे ज्यादा दूर भागो ना, वो ही तुम्हारे पास दौड़ के आती है। हाँ यार, पहले एग्जाम थोड़ा हल्का फुल्का नहीं रख सकते थे क्या? वो ही इंग्लिश रख देते, हिंदी रख देते, हमें पता तो चलता कि बोर्ड में होता क्या है, डायरेक्ट मैथ्स। साल में पढ़ाई करते तो ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट क्या है? साइंस। एक दिन की छुट्टी है साइंस के एग्जाम में, पूरी तो बुक आती है, कैसे पढ़ेंगे? मैंने तो सारे रिविजन पहले से ही कर लिए। एक दो तीन चार, चार दिन बाद इंग्लिश का एग्जाम। इतनी छुट्टियां चाहिए भी नहीं है इंग्लिश के एग्जाम में। जिस एग्जाम में छुट्टियां देनी चाहिए उसमें देते नहीं है, बाकी समय दे देते हैं। इंग्लिश स्कोरिंग सब्जेक्ट भी नहीं है। फिर एक दिन की छुट्टी और उसके बाद सोशल साइंस, उसमें तो तीन तीन सब सब्जेक्ट है, हिस्ट्री जियोग्राफी सिविक्स, कैसे करेंगे एक दिन में? अब तो भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकता। छह दिन की छुट्टी हिंदी में और छह दिन की संस्कृत में, ये दोनों तो तुक्के में निकलते हैं। ये बोर्ड एग्जाम तो वही लगा दिए। ऐसा नहीं होता ना, तुम तो पढ़ ले। अरे अभी देखो, हर बार कॉपी करना जरूरी है। अबे ये तो मैथ्स के सर है। कॉलेज आजकल तो ठंड में चाय भी इतनी जल्दी ठंडी हो रही है, पता नहीं एग्जाम में बच्चों के हाथ कैसे चलेंगे। हाँ, बोर्ड जाती तो माँ की टेंशन बढ़ जाती है, और मेरी टेंशन तो अनंत्या की मैथ्स को लेके और ज्यादा बढ़ी हुई है। अरे मेरी रीत की तो मैथ्स बहुत अच्छी चल रही है। है कहाँ जा रही है वो कोचिंग? ये पास में महेश्वरी के नाम से, सुना होगा। अनंत्या का हो जाएगा वहाँ पे? हर किसी के बस की बात नहीं है एडमिशन देना। ऐसा नहीं है, अनंत्या कवर कर लेती है अच्छे से। नमस्ते आंटी। मम्मी मैंने तो डिसाइड कर लिया है, मैं अपने स्ट्रीम में आर्ट्स लूंगी। आर्ट्स? तेरे सारे कजिन्स ने ना, चाहे नानी की साइड हो या दादा की साइड हो, सबने साइंस विद मैथ्स ली है, पर तू आर्ट्स? लोग क्या कहेंगे बेटा? आप तो मम्मी सब्जेक्ट थोप रही हो मेरे पे। अरे किसका बेटा क्या करे, हमें क्या करना है? मेरी नीट तो मैथ्स प्लस बायो एडिशनल ले रही है मम्मी। बट मेरे को तो सब यही कह रहे थे कि जो दिल करे वो लोग। बेटे तेरे दिल की सुनी ना, तो तू तो पढ़े ही ना, तो डिसाइड हो गया आप साइंस विद मैथ्स ले रही हो। और हाँ, महेश्वरी कोचिंग में वहाँ तीन दिन की ट्रायल क्लासेस है, बैग टंगाई है, जाओ और करके आओ। आर्ट्स लेंगे। सो बेसिकली आपको रेक्टेंगुलर पे एक थर्ड डिग्री का कट लगाना है। सर मुझे डाउट है, अनंतर तेज बोल, ऐसे आवाज नहीं आती यहाँ पे। सर मेरे को डाउट है। किसी को डाउट है? ठीक है, किसी को डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। मेरे को नहीं पढ़ना इस घटिया ट्यूशन में, 90-90 बच्चों का बैच है, किसी पे फोकस ही नहीं कर पा रही सिंगल। इससे अच्छा तो मैं प्राइवेट ट्यूशन लगा लूंगी, पैसे बच गए। ओ अनंत्या ना? हाँ जी। तुम्हारी मम्मी बता रही थी कि तुम्हारी मैथ्स बड़ी वीक है। हाँ जी मिस। मिस मिस नहीं, मिसेस गणिताचार्य। मैम हम यही पढ़ेंगे। हाँ, इसमें क्या बुराई है, बस सामान्य ना कर देंगे। मैम एक्चुअली वो ना मेरी ट्रिग्नोमेट्री और पाइथागोरस ना बहुत ज्यादा वीक है। पहले ये बताओ ये तीसरी सीटी थी या चौथी? मैम मेरे को कैसे पता चलेगा, मैं तो अभी आई हूँ। तो पहले ये बताओ कि तीसरी सीटी में कितना स्टीम जनरेट हुआ और चौथे में कितना जनरेट हुआ, और अगर चौथे में से तीसरे को माइनस कर देंगे तो पांचवी सीटी में कितना स्टीम जनरेट होगा? मैम मैं तो यहाँ पे मैथ्स पढ़ने आई हूँ, ये तो मेरे को फिजिक्स लग रही है। अगर आपका सिलेबस क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे इसको, देखना मैं सीटी बंद करके आती हूँ। तो कहाँ थे हम? मेरे को फॉर्मूलाज लर्न करने में बड़ा। दूध वाला? एक सेकंड, दूध वाला आया। हाँ तो कहाँ थे हम? और मेरे को सेट पे मेरे वाले बड़े लगते, लॉन्ड्री वाला आया हूँ। हाँ मैम वो मैं कह रही थी कि मम्मी पार्टी आई है। काम कर तू, इसकी पॉटी धुला, तब तक मैं कपड़े रख के आती हूँ। बहन जी पैसे। ट्यूशन पढ़ने आई हूँ मैं, किसी की पॉटी साफ करने नहीं आई। बाहर भी जाए पर्सनल ट्यूशन, किसी को घर पे बुला लूंगी। सॉरी पटा। हेलो अब्दुल, मेरे बाबू ने थाना थाया, तुम साफ करो। मैम वो एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो मुझे तुमसे है, तुमने अभी तक वृंदा को फेसबुक से अनफ्रेंड और इंस्टा से अनफॉलो क्यों नहीं किया? मैम नहीं नहीं नहीं, मेरे को एक डाउट है ये इस क्वेश्चन में। डाउट तो मुझे हमेशा से था, तुम ना अभी भी बात करती हो ना विनीता से। मैम पर मेरे इसमें एक्स। तुम अभी भी अपने एक्स से जुड़े हुए हो?
फॉर्मूला ब्रेक करना हो तो बता दीजिए। यहाँ मेरी मैथ्स में आग लगी है और इसकी आज की चल रही है। पलट ले, कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो रहा ना फिर। अरे ड्रामा क्वीन, जो तू फोन से टॉर्च खोल रही है उससे अच्छा फोटो ले ले तू इन चैप्टर की, और क्या कर ऐसे जैसे हम गेम खेलते ना रजाई के नीचे वैसे पढ़ ले। और इंटरनेट पे इतने सारे सोर्सेज होते हैं, तू रिसर्च भी कर सकती है। और हाँ, अगर तेरे को लगे कि तू डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी फोन पे तो सब एप्स पे तू टाइमर लगा सकती है। और ये बस हो गया तेरा पढ़ाई का? ये तो ठीक है, पर एग्जाम में सुबह हाथ तो नहीं चलेंगे ना, ठंड लग गई तो। ये ग्लव्स पहन ले। पहन लिया। अब ले, उंगलियां काट देती हूँ, ना रहेंगी उंगलियां ना देना पड़ेगा एग्जाम। तेरा दिमाग खराब हो गया? अरे मजाक करी थी, इसकी उंगलियां काटनी है। ये ले, अब तू इससे पेन ग्रिप भी कर सकती है और इतना पार्ट तेरा वॉर्म भी रहेगा। यार ये तो बहुत बढ़िया है। यार ये तो हो गया, पर पढ़ते पढ़ते मुझे ठंड भी बड़ी लगती है और दिमाग में सैचुरेशन भी आता है। कैसा लग रहा है? यार बहुत अच्छा लग रहा है। बस ऐसे छोटे छोटे कैटनैप ले लिया कर, इससे हमारी बॉडी रिबूट हो जाती है। और हाँ, ये जो हमारा सारा लर्निंग मटेरियल है ना, वो हमारे ब्रेन में अच्छे से स्टोर हो जाता है। अच्छा एक और चीज़। अरे भैया मेरे पास और ज्ञान नहीं है, मेरे को भी पढ़ना है। मैं तो तेरी बुक लेने आई थी, चल लेके जा लूँ, कल वापस कर दूंगी। बाय, गुड लक। भाई तू रात से यहाँ पे बैठी है क्या? मम्मी बोलती है कि बोर्ड एग्जाम में ना एक घंटा पहले जाके बैठ जाना चाहिए। अच्छा ये है 3:42। चलो अच्छा, मैं सबसे लास्ट बैठी हूँ और तेरे पीछे, और तू टॉपर के पीछे। यार मेरे को तो सेट सी आया है, तेरे को क्या आया है? सेट बी। और उसे तुझे क्या आया है? ए। अच्छा हम तीनों में तो डिफरेंट डिफरेंट आए, आप क्या करें? बट लेंथी क्वेश्चन सेम है। ठीक है, मैं अपने एमसीक्यूज कंप्लीट करती हूँ और फिर तू मेरे सारे आंसर्स बता दियो। ओए ये लास्ट के लेंथी क्वेश्चन कर लिया क्या? हाँ लेंथी क्वेश्चन कर लिया है। तो इसका दे और मैं तेरा कॉपी करूंगी। लिखेगी का एक क्वेश्चन तो उत्तर में मेरे को समझ आ गया, मैं तो अपना खुद कर दियो। मैम शीट। यार ये तो शीट पे शीट लिया जा रही है। शीट लेने से कुछ नहीं होता, आंसर भी सही लिखने होते हैं, आधे टाइम जो ये सारे मार्जिन छोड़ देती है। 10 मिनट बचे हैं, अपनी अपनी कॉपी मांग दीजिए। चलो हो गया। तो आने वाले हैं और आप भी आ रहे होंगे तो गुड लक। और हाँ, अगर आप लोग भी थोड़ा बोर हो रहे हो और अपने माइंड को रिफ्रेश करना चाहते हो तो Amazon मिनी टीवी ऐप जरूर डाउनलोड करना प्ले स्टोर से एंड वॉच योर फेवरेट शोज। अब इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ अपने सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो कमेंट करो आपके एग्जाम्स कब से शुरू हो रहे हैं और मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए टेक केयर एंड बाय बाय।